इसका सोल्यूशन डी एक्शन दे सकता है। आपका चुनौती, नाउ यू टेल मी व्हाट इज योर चैलेंज, आपका पास क्या चैलेंजेस है। ये चैलेंजेस है आपको बोनस नहीं मिलता बिकॉज गवर्नमेंट ने स्टॉप कर दिया। आपका पास ये चैलेंजेस है आपको प्रोडक्ट नहीं मिलता है। आपका पास ये चैलेंजेस है आप सेमिनार नहीं कर सकते हो। आपका पास क्या चैलेंजेस है, क्या चैलेंजेस है? कुछ चैलेंज नहीं है, वही चैलेंज है। चैलेंज क्या है बताया, प्रॉब्लम ही नहीं है, वही चैलेंज है हमारा। कुछ चैलेंज नहीं होना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जब आईओसी आया था, मिस्टर राहुल रॉस ट्रेडिंग आईओसी आया था, एक महीना देख रहे थे दब 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 दब, जो 20,000 बोनस ले रहा था 2,00,000 ले रहा था, 40,000 ले रहा था 5,00,000 ले रहा था। सब आईओसी ने एक बहुत बड़ा उछाल दिया, तो अगले महीने क्या हुआ, अगले महीने क्या हुआ, अगले डुप्लीकेट नहीं हुआ। पहला महीना लोग आईओसी इसलिए खरीद रहे थे, मेरा नीचे कोई खरीदेगा उसे भी पकड़ना चाहिए। इसीलिए मेरा पहला, ये बस में ना बहुत भीड़ होता है, लोग पहले कच्ची डरते, मैं पकड़ लू मेरा सीट, सीट को पकड़ने के लिए पहले आईओसी मार्कर रखा, काम नहीं किया। आईओसी का ऊपर उनका कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ एक ही मकसद था, मेरा नीचे कोई करेगा उसका बोनस ऊपर नहीं जाना है, नीचे मेरा मकसद वही था। आईओसी से कैसे प्रमोट करूं, आईओसी को कैसे बिजनेस में लेके आऊं, वो दिमाग नहीं चला। पहले मेरा रिजर्वेशन में कर लूं, रिजर्वेशन का काम ही चला। माय डियर फ्रेंड्स, यू सी हाउ मेनी पीपल हियर डायमंड, कितने लोग डायमंड, वंडरफुल, लॉट ऑफ पीपल हियर आर डायमंड। सो व्हाट हैपन आफ्टर द आईओसी। सो नाउ पीपल आर टेलिंग सर आईओसी ऊपर ट्रेनिंग होना चाहिए, आईओसी के ऊपर कंपनी ये मॉड्यूल ले आना चाहिए, आईओसी के ऊपर कंपनी एक प्रमोशन ले आना चाहिए, ये ले आना चाहिए वो। सी, जब आप डायमंड बन जाते हो ना, पूछने का हक, हेल्प मांगने का हक आपका पास नहीं होता है, तो याद रखो। बिकॉज आपका औकात इतना बढ़ जाता है, आप हेल्प देने का हक में हो जाते हो, हेल्प मांगने का हक आपका पास नहीं होता। जब मैं 3 साल था रोड क्रॉस करना है, मेरा मम्मी हाथ पकड़कर रोड क्रॉस करती थी। लोग बोलते थे ये बच्चा बहुत ब्रेव है, ये छोटी उम्र में रोड क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। 4 साल में था, मेरा मम्मी हाथ पकड़कर रोड क्रॉस कर रही थी, फिर लोग बोला था तू मजबूत बन रहा है। जब मैं 25 साल बन गया, मेरा मम्मी मेरा हाथ पकड़कर मुझे रोड क्रॉस कर रही थी। क्या हुआ, लोग क्या बोलेंगे, ये पागल है, ये मेंटली रिटार्ड, इसका बुद्धि नहीं है, अभी भी मदद मांगता है, इतना बड़ा हो गया अभी भी मदद मांगता है। मेंबर था, अपलैंड ने मदद किया अच्छा है, स्टार एजेंट था, अपलैंड ने मदद किया अच्छा है, स्टार रूबीन था, फिर भी अपलैंड ने अच्छा किया, कंपनी ने हेल्प किया अच्छा है, स्टार डायमंड बन गया, 25 साल बन गया, फिर भी मम्मी का हाथ पकड़कर रोड क्रॉस करना कोशिश करेंगे तो पागल बोले दुनिया। मैं नहीं बोलो, प्लीज रिमेम्बर माई डियर फ्रेंड्स, ये जो बिजनेस है ना, ये जो बिजनेस है, जब ये पोजिशन का ऊपर आप आ जाते हो, This business is on your own. आपका सक्सेस में किसी को कोई परवाह नहीं है, ये समझो मेरी बात। आपका लाइफ अच्छा रहे, आपके बच्चे अच्छे स्कूल में जाए, आपका पास एक अच्छा गाड़ी हो जाए, आप एक अच्छा घर खरीदे, इसका परवाह किसे है, खुद को, अपलाइन को है नहीं है, मैनेजमेंट को है नहीं है, डाउनलाइन को है नहीं है, सिर्फ दो लोगों को है, आपको है और आपका खुदा को है, बस, और किसी का इसका परवाह नहीं है। सो रिमेम्बर दिस वन, इफ यू स्टिल आस्किंग फॉर हेल्प, अगर स्टार डायमंड बनने के बाद आज भी सोचते हो कंपनी ने सेमिनार अरेंज करेगा, कंपनी ने ट्रेनिंग करेगा, कंपनी ने ये करेगा, वेन यू बिकम द लीडर, आप वो हकदार बन जाते हो आपका टीम को रास्ता दिखाना। अभी भी रास्ते की तलाश में मत रहो, अभी भी मत पूछो रास्ता कहां है, रास्ता नहीं है तो रास्ता डालो, कैसा रास्ता डालेंगे उसके ऊपर काम करो, अप्लाई करेगा ये करेगा। प्लीज माय डियर फ्रेंड्स, वो हक आप खो चुके हो,
जब लीडर बन जाते हो आप खो चुके हो. सो दैट इज द चैलेंज व्हाट यू नीड टू पुट इन योरसेल्फ. वो चैलेंज आपका अंदर लेकर आना है. जब वो चुनौती आपका अंदर आ जाएगा, आपका पास एक ही चुनौती अब क्या है, मेरा टीम को मैं कैसे रास्ता बताऊंगा, वो है आपका चुनौती. यू कैनॉट वेट फॉर योर अपलाइन, यू कैनॉट वेट फॉर मैनेजमेंट, यू कैनॉट वेट फॉर एनीबडी. यू हैव टू शो योर वे. आपका टीम को आपको रास्ता बताने का हक में आप हो. इतना बड़े हो चुके हो, स्टार डायमंड पोजिशन में हो चुके हो, आपका टीम को कुछ करना है सिर्फ आप ही करोगे. अभी बोलते हैं नहीं सर मेरा अपलाइन मुझे हेल्प करता है, मैं डबल डायमंड हूं फिर भी मुझे हेल्प करता है. ये उसका मजबूरी है, ये उसका मजबूरी है, बिकॉज उसका टीम में बेस्ट तुम ही हो. जब तुम्हारे से बेस्ट टीम प्लेयर उसका टीम में आ जाएगा ना, तो अपलाइन तुमको भूल जाएगा, बिकॉज मजबूर है. मेरा टीम में जो भी है बेस्ट यही है जो एटलीस्ट हेल्प मांगकर काम करता है. तो इसके लिए उसका साथ मैं लगे रहता हूं, उसे बोलता हूं लीडर लीडर लीडर. जब एक लीडर मुझे मिल जाएगा जो खुद काम करने शुरू हो जाएगा, मैं वो लीडर का साथ रहूंगा, ये बंदा का साथ नहीं रहूंगा, बिकॉज ये हक खो चुका है हेल्प लेने की, फिर भी मांग रहा है मेरे से. सो माय डियर फ्रेंड्स, व्हेन यू ग्रो यू शुड ग्रो योर सेल्फ. योर चैलेंजेस इज लाइक दिस. आपका चुनौती यही है, तो आप क्या रास्ता बताओगे आपके टीम के लिए. सो दिस इज व्हाट वी टेल, पुट योर शार्क इन योर टैंक. याद है ना ये जो मछली फैक्ट्री का धक्का किसने मारा नहीं. ये मछली है, ये जो जापान जापान था ना, जापान जापान जानते हो, जापान में लोग ज्यादा मच्छी 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 मछली मछली वही है. जापान में लोग ज्यादा मछली खाना पसंद करते हैं. नो दे टेक बिग बिग फिश, बड़े बड़े फिश जो समुद्र से लेकर आना, बड़े बड़े फिश खाना पसंद करते हैं. सो वेन ये क्या हुआ, 10 साल 20 साल का बाद जहाज जाता था समुन्द्र में, अभी नजदीक में कोई मच्छी नहीं मिलता था, इसीलिए जहाज को जाना पड़ता था. एक महीना दो महीना का सफर का बाद ही जहाज आता था. जब ये जहाज मछली लेकर वापस आता था, वो मछली सड़ जाता था, तो लोग उसे लेना पसंद नहीं करते थे. बट करोड़ों ये शिपिंग कंपनी ने करोड़ों इन्वेस्टमेंट कर दिया जहाज का ऊपर. सो ये शिपिंग कंपनी ने मीटिंग किया, मीटिंग कर अभी इसे कैसे सॉल्व करेंगे. देन उनको एक आइडिया आया था, हम ये जो जहाज है इसका अंदर फ्रिजरेटर डालेंगे. क्या डालेंगे? फ्रिज, बड़े बड़े फ्रीजर रखेंगे, जो मच्छी को पकड़ेंगे तो फ्रिज में रखेंगे, तो वो सड़ेगा नहीं. तो जहाज गया दो महीना तीन महीना, फिर बड़े बड़े मच्छी पकड़ा, फिर फ्रिज में रखा, फिर लेकर आया, फिर मार्केट में भेजा, फिर लोग बोलने लगे वो पहला जैसा मछली का ताजा इसमें नहीं है. फिर ये सब परेशान, इतना इन्वेस्ट करने के बाद भी मार्केट नहीं उठ रहा है. फिर लोगों ने मीटिंग किया, अब इसे कैसे सॉल्व करें. देन एक बंदे ने एक बहुत अच्छा आइडिया दिया है, सर ये फ्रीजर को हटाओ, ये फ्रीजर को हटाओ, बड़े बड़े टैंक डालो तो मच्छी नहीं मरेगा. तो मछली को क्या किया, अभी फ्रीजर को हटाया, बड़े बड़े टैंक डाला, जहाज गया मछली पकड़ा और टैंक में डाला, अभी मच्छी मरा नहीं. इतना बड़ा टैंक था, हजारों की मच्छी उसमें था, मच्छी मूवमेंट जगह नहीं था, डल हो गया है, फिर वापस आया है. फिर लोगों ने बोला था सर पहला जो मच्छी था वो टेस्ट इसमें नहीं. अभी ये शिपिंग कंपनी परेशान है, क्या करूं, फ्रीजर को हटा दिया, टैंक निकाला, फिर भी सॉल्व नहीं हो रहा है. फिर बंदे ने एक सोल्यूशन दिया, सर ये जो टैंक है ना, ये ताजापन इसलिए नहीं है, ये बड़े टैंक में सब मच्छी आराम से सो रहा है, ये लेजी हो गया है. लेजी को क्या बोलते हैं हम, आलसी हो गया, आलसी हो गया, आलसी हो गया है, तो इसीलिए उसका जो जिसम का जो ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं था, इसीलिए वो ताजापन नहीं मिल रहा है. अगर इसे जिंदा रखना है, एक्टिव रखना है, एक ही है, ये जो टैंक का अंदर छोटा छोटा शार्क डालो ना, शार्क मच्छी, जो मच्छी सोएगा वो मरेगा, उसको खा जाएगा वो, सही है ना. तो जिंदा रहना है तो उसे एक्टिव रहना है, स्विम करते ही रहना है, जब भी जाके सोएगा ये शार्क मछली उसे खा लेगा. सो इसीलिए क्या किया, ये टैंक गया मछली पकड़ा, फिर एक शार्क उसने डाला, जो मछली सोया वो गया, वो मर गया, मरने के बाद वापस आया, देन मार्केट में भेजा, देन वो असलीपन वो ताजापन
उनको मिला, मार्केट में वही रेट मिला, देन दैट शिपिंग कंपनी हैज बिकम सक्सेसफुल। आपका टीम में कितना मछली सो रहा है, कितना मछली सो रहा है, आपने डाला उठा उठा के डाला, उठा उठा के डाला, मरा नहीं, जिंदा है पर सो रहा है। अगर मर गया तो छोड़ दूंगा, मरता भी नहीं था, जिंदा है पर काम नहीं करता है। इसे क्या करूं, टीवी रिपोर्ट देखो, 200 मेंबर, 300 मेंबर, 400 मेंबर, 1000 मेंबर, 2000 मेंबर, बट वॉल्यूम कितना आता है, सो रहा है। ये अगर ये सो रहा है, इसे जागना किसकी जिम्मेदारी है, किसकी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी। तो क्या करना है, शार्क डालो, आपका टीम में शार्क डालो, आपका टीम में चुनौती डालो। अगर आपका टीम में चुनौती नहीं रहेगा, ये मछली सोएगा, आपका मेंबर पक्का सोएंगे। जो मेंबर ज्यादा दिन सोएगा वो एक्सपायर्ड मेंबर बनेगा। सही है, गलत, जरूर एक्सपायर्ड मेंबर बनेगा। तो इसीलिए यू शुड मेक देम एक्टिव, इसीलिए छोटे छोटे चुनौती। एक लीडर बिहार आज इतना ऊंचा है, वो लीडर ने सोचा मेरा मछली सो रहा है तो इसे कैसे जगाऊं, उसने एक सोल्यूशन निकाला, एक चैलेंज उसने डाला। पहला दिन 3000 करो, कंपनी ने बोला, उसने शुरू किया। पहला दिन क्या करना है, 3000 पीवी करना है। 3 साल का पहले उसने शुरू किया था, पहले एक लोग, दो लोग, 5 लोग करना शुरू किए थे। वो पीवी रिपोर्ट लेके लेके व्हाट्सएप में डालता था, व्हाट्सएप में डालता था। 4 महीने के बाद 100 लोग हुए, 5 में 1 साल का बाद 1000 लोग हुए। आज वो लीडर का पहला दिन का ग्रुप पीवी 50 लाख है। पहला दिन का ग्रुप पीवी, पहला दिन में 3000, हजारों के अभी 3000 मेंटेन कर रहे हैं। उसे वो समझदार था, तो मछली सो रहा है, उसे जागना मेरी जिम्मेदारी है। तो आप भी जगाओ, आपका जो मछली सो रहा है उसे कैसे जगाइए। आज रात सोना मत, ये सोचो आपका मछली को आप कैसे जगाएंगे। यस, चैलेंजेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज डीएक्सएल को जो आगे लेके गया, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये चैलेंजेस। ये चैलेंजेस आपका टीम में होना बहुत जरूरी है। हाउ यू आर गोइंग टू हैंडल दिस चैलेंजेस, वेन यू नो टू हैंडल दिस चैलेंजेस एंड वेन यू पुट दिस चैलेंजेस, योर टीम विल बिकम एक्टिव। आर यू रेडी? यस। आर यू रेडी? यस। ये चैलेंजेस व्हाट कंपनी हैज टेकन इज, हियर आफ्टर ये छोटे मोटे प्रोग्राम कंपनी नहीं करेगा। अगर BOM होगा, 500 लोगों के नीचे नहीं होगा, ये कंपनी का चैलेंज है। पता नहीं कंपनी सक्सेस होगा, अगले महीना सक्सेस होगा पता नहीं, बट कंपनी डेफिनेटली इसमें सक्सेस होगा। कौन लोग कंपनी का साथ दे रहा है उसको लेकर चलेगा। किसी के पास हिम्मत है बोलने का, सर मैं 500 लोगों को इकट्ठा कर सकता हूं? वंडरफुल। जो लोग कर सकते हैं, यू अप्रोच द कंपनी, वी विल गिव यू द सेमिनार। कहीं भी जगह हो जाओ, आप 500 लोगों को इकट्ठा करो BOM के लिए। अगर आप अकेले नहीं कर सकते हो, आपका अपलाइन से बात करो, 2-3 लीडर मिलकर करो, बट करो। हर एक प्रोग्राम 500 लोगों से नीचे नहीं होना चाहिए। 100 लोग, 50 लोग, इसमें प्रोग्राम लेना शर्म की बात है। शर्म आना चाहिए, इतना बड़ा कंपनी 50 लोगों का साथ BOM कर रहा है। कोई पूछेगा तो, कोई पूछे मैं बाहर नहीं बोलता हूं, तो शर्म आता है बोलने में। तो इसीलिए हमने ये निर्णय ले लिया, ऑलरेडी शुरू कर दिया हम सब स्टेट में। जो भी प्रोग्राम होगा 500 मिनिमम होगा। हिम्मत है तो करो, अगर नहीं होता है, जो हिम्मत चाहता है उसका साथ मिलकर करो। पहले सब मिलकर करो, 1-2 प्रोग्राम मिलकर करो, फिर अमीबा बन जाओ। अमीबा माने अलग अलग बन जाओ, अलग अलग बनकर फिर 500-500 इकट्ठा करना शुरू करो। ऐसे ही प्रोग्राम बढ़ सकता है। 50, 100, 200, ये सब अभी डीएक्शन का शोभा नहीं देता है। सो आर यू रेडी? यस। दिस इज द चैलेंज व्हाट वी हैव टेकन, एंड यू हैव टू टेक योर चैलेंज फॉर योर मेंबर। जो भी बंदा सो रहा है उसे कैसा जागना, ये आपकी जिम्मेदारी है। मदद मांगना छोड़ दो। यस यस, सही है। मदद चाहिए? नहीं चाहिए। अगर आप मदद मांगेंगे PAC से और आपकी मैनेजर से, मुझसे, मैं आपको मदद दे सकता हूं, बट एक बात ख्याल रखना, मैं जितने भी मदद हम देंगे उतने कमजोर आप होंगे। सही बात है। जितनी भी मदद मैं करूंगा,
जितने भी मदद मैनेजमेंट करेगा उतना कमजोर आप होते ही जाएंगे। तो मदद चाहिए नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, yes. चाहिए नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। सुनने में अच्छा लगे। मांग लो, मांग लो, मदद चाहिए तो मांग लो, कमजोर हो जाओ, मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। जितना मांगता है मांग लो, कमजोर आपको कमजोर करने के लिए मैं भी तैयार हूं, अगर आप कमजोर होने की राजी हो तो। So are you ready? Yes. हाँ, genuine whatever needed, you come to the company, you take your challenge. आप बोलो सर मैंने ये चुनौती लिया है, मेरी तरह से मेरे बिजनेस बनाने के लिए कंपनी का हाथ इसमें चाहिए। तो definitely result oriented, अगर आप result oriented कोई भी project कंपनी में देंगे, कंपनी definitely आपको support करेगा, आपको आगे बढ़ाने में कंपनी उसमें मदद करेगा। So individual बन जाओ, किसी की मदद का छोड़ दो, आप मदद करना शुरू करो, because आप वो हकदार बन चुके हो। So thank you very much and all the best and go crowd.